आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृ पक्ष आरंभ है, शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को पितृमोक्ष अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का अवसान हो जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृपक्ष में अपने पितरों को जल देने से, उनको याद करने से पितरों का आशीष मिलता है, इस तरीके का विधान पुराणों में मिलता है। और सिवनी शिव की नगरी कहलाती है। सिवनी से दक्षिण दिशा में, सिवनी शहर से दक्षिण दिशा में मुंडारा से पुण्य सलिला बैनगंगा उद्गमित हुई है। लखनवाड़ा घाट छिंदवाड़ा रोड पर स्थित है। बड़ा पुल आपको दिख रहा होगा, छोटा पुल और बड़ा पुल दोनों यहाँ दिख रहे होंगे। माता बैनगंगा की प्रतिमा भी आपको दिखाई दे रही होगी। पुण्य सलिला कल कल बहती हुई प्रतीत हो रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 14 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का अवसान हो जाएगा। इस तरीके की मान्यता है कि पितृ 15 दिन तक पितृपक्ष में धरती पर आते हैं और अपने वारसान को, अपने उत्तराधिकारियों को आशीष देकर जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करना, पितरों को जल देना बहुत जरूरी होता है। इसका एक विधान भी शास्त्रों में बताया गया है आचार्यों के द्वारा। पुण्य सलिला बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर, लखनवाड़ा तट पर पूरे विधि विधान के साथ, धार्मिक मान्यताओं के साथ तर्पण का कार्य कराया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से पितृ वर्ष भर संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष प्रतियों पितरों के प्रति वार्षिक श्रद्धांजलि का पक्ष भी माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध के अनेक प्रकार बताए गए हैं। इसमें विशेषकर पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध किया जाना शुभप्रद बताया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं पितरों के तर्पण करते हुए लोग पहले स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद विधि विधान के साथ पितरों का तर्पण करते हैं। श्राद्ध के प्रमुख चार अंग तर्पण, ब्राह्मण भोज, पिंडदान, वस्त्रदान, दक्षिणादान प्रमुख माना गया है। ये चारों कार्य नियम व श्रद्धा पूर्वक करने से निश्चित ही पितर उस श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर श्राद्ध करने वाले को दीर्घायु, पुत्र, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, सुख व धन आदि से पूर्ण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मरण तिथि पर श्राद्ध न करने से पितर थोड़ा सा नाराज भी होते हैं, इसलिए श्राद्ध करने में मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। श्री वैकुंठनाथ परिहार संस्कृत महाविद्यालय वैकुंठपुर के आचार्यों के अनुसार श्राद्ध करने का विशेष समय कुतप काल पाप को संतप्त करने के कारण को प्रशस्त व शुभ माना गया है। यह दिन का 8वां और 9वां मुहूर्त होता है। दिन में 11:30 बजे से प्रारंभ होकर मध्याह्न 1 बजे तक का माना गया है। वैसे आचार्यों का ये मत भी है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व ही श्राद्ध कर्म आरंभ कर देना चाहिए, ताकि वैसे व्यस्त दिनचर्या में जब आपको समय मिले तब श्राद्ध करना चाहिए। आचार्य उपेंद्र मिश्रा जो मराही माता स्थित कपीश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वे देखिए स्वयं जल में लगभग 3/4 डूबे हुए हैं और वहाँ से वे श्राद्ध कर्म करवा रहे हैं स्वयं जल के अंदर रहकर। और जितने भी श्राद्ध कर्म कर रहे हैं वे भी जल में लगभग उनका डूबे हुए हैं। सीढ़ी पर पानी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। श्राद्ध पर्व, श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण का महापर्व पितृपक्ष शनिवार को 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। उसके बाद पितर, सभी पितर लौट जाएंगे। 14 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या होगी। पितृपक्ष के 15 दिन तक पितृपक्ष में पिंडदान तर्पण आदि का विधान है। पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण आदि करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। संतान द्वारा किए गए तर्पण आदि से पितृ तृप्त होते हैं।
पितरों को प्रसन्न पितरों की प्रसन्नता से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। घर में कलह है, पुत्र पुत्रियों के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। आचार्यों के अनुसार जल व तिल से तर्पण का विधान है। जो जन्म से लय मोक्ष तक साथ दे वही जल है। तिलों को देवान्न कहा गया है। पितरों को तृप्ति पितरों की तृप्ति होती है। तीन पीढ़ियों तक का श्राद्ध श्राद्ध केवल तीन पीढ़ियों तक का ही होता है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने तक आने पर परलोक से पितर अपने स्वजन के पास आते हैं। देवतुल्य स्थिति में तीन पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान, परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल तीन पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट देखिए। आचार्य के द्वारा, आचार्य उपेंद्र तिवारी के द्वारा कितने विधि विधान से यहाँ पर पितरों का तर्पण कराया जा रहा है। लोग सुबह पौ फटने के पहले ही उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पहुँचते हैं वैनगंगा के लखनवाड़ा तट, प्रतापपुर के वैनगंगा के तट पर वे पहुँचते हैं और यहाँ पर उनके द्वारा पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए विधि विधान पूर्वक काम किया जाता है। यहाँ आपको ये देखिए रेलगाड़ी भी आपको जाती हुई दिख रही होगी। सुबह पैंचवैली एक्सप्रेस जो आती है, पैंचवैली आने के बाद सिवनी बैतूल पैसेंजर बनकर ये लौट जाती है। अगर आप भोपाल से सिवनी आते हैं तो वातानुकूलित श्रेणी में आपको रिजर्वेशन शायद सिवनी तक नहीं मिलेगा, क्योंकि सिवनी आने के बाद यह रेलगाड़ी पैसेंजर बन के यहाँ से जाती है और 5-6 डब्बे ही आपको अभी जाते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। कितनी विडंबना है कि एक रेलगाड़ी इंदौर से चलकर इंदौर भोपाल बैतूल आमला परासिया छिंदवाड़ा के रास्ते सिवनी आती है, पर सिवनी से अगर आपको इंदौर जाना है तो आपको छिंदवाड़ा से जाकर बैठना पड़ता है। कितनी विडंबना भरी बात है। बहरहाल बात अभी हम पितरों की कर रहे हैं। पितृपक्ष में ये देखिए यहाँ पर जल दे रहे हैं और जो भी लोग हैं वे यहाँ सुबह आते हैं। 15 दिन यहाँ पर पितरों को पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पितृ तर्पण किया जाता है। एक भ्रम बना हुआ है कि गया में, गया जी में अगर आप गए हैं और आपने पिंडदान कर दिया है तो उसके बाद पितरों को पानी देना चाहिए अथवा नहीं, एक भ्रम बना हुआ है। इस भ्रम के संबंध में आचार्य उपेंद्र तिवारी का कहना है कि पितरों को अगर आप पानी दे रहे हैं गया जी जाने के बाद भी, तो उनका कहना है कि पितरों को पानी देने से नुकसान कुछ नहीं है, पितृ तृप्त ही होंगे। सनातन धर्म में पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पूर्वज तृप्त होते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीष सदैव आपके साथ जब तक वे जीवित हैं तब तक भी रहता है और उनके अवसान करने के बाद भी आपके साथ उनका आशीर्वाद बना ही रहता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के संबंध में कई ऐसी बातें बताई हैं जो वर्तमान समय में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में बताया गया कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और फिर कैसे धीरे धीरे जनमानस तक पहुंची। श्राद्ध के संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जिनके संबंध में जानना जरूरी है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महाभारत के काल में, महाभारत के अनुसार सबसे पहला श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार पहले निमि के श्राद्ध का आरंभ किया गया था। उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। धीरे धीरे चार वर्णों के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवताओं पितृ तृप्त होते चले गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पितरों के तर्पण के लिए जल दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितरों को प्रसन्न करने के लिए 15 दिन तक किसी भी
नदी के घाट पर आप जाएं, अगर नदी के घाट पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही उन्हें जल दें, विधि विधान से जल दें। अंत में पितरों को जल देने के बाद आचार्यों का कहना है कि जल देने के विधि में कहीं चूक हुई हो, अनजाने में कोई चूक हुई हो, जानते बूझते कोई चूक हुई हो तो उनसे क्षमा जरूर मांगें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, जय हिंद।